आदित्य का ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया, 20 साल 68 दिखा रहा था। ये लाइफ में पहली बार बर्फ छू रहा है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ बन जाएंगे और नहीं जा पाएंगे। ये देखो गाइस, हमारी गाड़ी पेंट हुई है नया नया। विजिबिलिटी अभी बहुत कम है। और हम लोग चलाते रहे तो DPF का वो डैमेज हुआ ना, तो वो पार्ट बहुत महंगा है, 75,000 का पार्ट है वो, और वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, तो यहाँ रुके तो मर जाएंगे। दुआओं में याद रखना कुछ होता है। चल अच्छा, लात मारू है ना, सब सही होगा भाई, भगवान अपने साथ है यार। भाई ये तो रास्ता बंदे पूरा आ गए, अनजानते में कुछ पता नहीं चला, हम सबके जूतों में टट्टी लग गई। द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो फिर अपने को फिर कश्मीर से जाएंगे। साला दो महीने में जितना एक्सीडेंट नहीं देखा उतना आज 8 घंटे में देखे। भिलवाड़ा की तरफ जाते हुए अचानक से मौसम बिल्कुल काले बादलों का हो गया। गाइस ये जयपुर के आसपास राजस्थान में आती पता नहीं क्या हो जाता है, सिग्नल गायब हो जाते हैं। भाई लोग पानी गिराते हैं यहाँ पर, डीजल गिराया जा रहा है, वो भी देखो पानी की तरह पानी भाई पूरा। भाई क्रॉस हो गया टनल। कहाँ जा रहे हो भाई? पता नहीं भाई, किडनैप करके लेके जा रहा है। मूवी नहीं दिख रहा भाई, लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख स्टार्ट हुई ट्रिप, कितने 3-4 महीने से प्लान करते करते अब निकला। अभी हमारा गांव वाला भाई नीचे आ जाए जल्दी बस। एक हमारा साथी है जिसको ऐसे वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ता है कि हम उसके गेट के बाहर हैं, तभी वो आता है। भरोसा ही नहीं है भाई, कहाँ है? घर से निकलते ही इसने भाई टेस्टिंग चालू कर दी है, सामान वामान की टेस्टिंग करने की हिल हिल था मेरा ऊपर। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ दीपक चौरसिया आस गाँव वाला। तो अभी हम निकल रहे हैं लद्दाख के लिए भाई। वडोदरा 533 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, और इस पे 10 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है, और हमारा प्रो ड्राइवर है अभी, देखते हैं कितनी देर में पहुँचाएगा। कैमरामैन आदित्य 11 बजे पहुँच जाएंगे ऐसा दिखा रही है। वडोदरा से पहले कहाँ ही रुकेंगे, अब तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे सीधा, वडोदरा में ही खा लेंगे। तो भाई अभी अपन एक्सप्रेस वे पे हैं, दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। मीट अगेन। तो दो गाड़ियाँ जा रही हैं हमारी लद्दाख। क्रॉक्स दिखा रहे हैं हमारे नए नए क्रॉक्स है भाई। तो भाई अभी 2:30 बज गया, हम लोग खोपोली में आ गए हैं, लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो जहाँ पे फर्स्ट स्टॉप मिला था, जहाँ पे दूसरी गाड़ी मिली थी, हम लोग वहाँ रुके थे मिलने के लिए। अनजानते में कुछ पता नहीं चला, हम सबके जूतों में टट्टी लग गई। सबके, उस गाड़ी में भी, हमारे गाड़ी में भी। इस चक्कर में आधा एक घंटा बर्बाद हो गया क्योंकि बदबू इतनी आ रही थी गाड़ी में, हम कर नहीं पाए कुछ, मतलब टॉलरेट नहीं हो रही। उतर के पहले डंडी वंडी से साफ किया, अभी यहाँ फ्यूल पंप पे उतर करके फ्यूल अप किया है, और पूरी की पूरी अभी बाथरूम में जा करके जेट स्प्रे से जूते साफ किए हैं। बदबू गई नहीं है अभी तक। भाई कैसे लग रहे रोड? खाली तो अच्छा ही लगता है, ट्रक वालों के ये नहीं सोच रहे हैं खाली रोड पे भी अंदर चल रहा है। मन खोलना नहीं चाहता लेकिन मैं तो निकलते ही है। वो मंडे तक लेकिन बंद कर दिया, और तब तक और ज़्यादा बर्फबारी ऐसा कुछ खराब मौसम नहीं हुआ ज़्यादा तो वो खुलेगा, नहीं तो वो और डिले हो जाएगा। नहीं तो फिर कहाँ से जाना पड़ेगा? अदरवाइज अभी तो 12 लाख चलने वाला रास्ता है, वो ऑड इवन करके खोल रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेट, एक दिन आने का एक दिन जाने का है। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो खुला रहेगा ही, बट अभी सब डिपेंड करता है मौसम पे, कितना बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर दोनों बंद हो गए गलती से, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो फिर अपने को फिर कश्मीर से जाएंगे। भाई 5:30 बज गए भाई, आधा घंटा कम कर दिया तुमने। जब हम लोग टट्टी साफ करके निकले थे तो 12 बजे दिखा रहा था, पहुँच जाएंगे 9:30 तक। सेट कर दिया डेस्टिनेशन अभी चंडीगढ़ के लिए, फिर देखते हैं अभी हमारा प्रो ड्राइवर कितने देर में पहुंचाएगा। वैसे तैयारी 2 मिनट में। अपडेट ये है कि गुजरात से हम लोग निकले हैं और चंडीगढ़ का टारगेट है। भाई हाँ भाई, 3 पंजाबी थाली 3 पंजाबी थाली, तंदूरी लेंगे, चपाती, हमारे बाकी के लोग भी आ गए हैं। रोड अच्छा है ना? लेकिन रोड अच्छा है लेकिन चलाने के लिए ट्रक कहाँ दे रहे हैं? तो सूरत में ही तो ट्रक था, उसके अलावा तो खुला है। सारे एक्सीडेंट देखे, साला 2 महीने में जितना एक्सीडेंट नहीं देखा उतना आज 8 घंटे में देखे, पता है।
अभी हुआ क्या था, रास्ते में हम लोग जब पुणे से निकले थे खोपोली की तरफ, तो खोपोली से पहले हम लोग आगे वाले स्ट्रैप जो है ना वो बांधना भूल गए थे, बाकी सारे बांध लिए थे। तो हवा घुसते घुसते वो अचानक से उठ गया ऊपर का सिर्फ आगे का कवर, और वो जो दोनों जेरी कैंस थे वो ऐसे खड़े हो गए। वो तो उनके अंदर से रस्सी डली हुई थी, इस वजह से वो उड़े नहीं, तो उड़ गए होते। बाकी तो बढ़िया है, कोई कुछ हिल मिल नहीं रहा, सही चल रहा है सब कुछ। नहीं बोलते उसे मेरा सवा 6 बज गए हैं, उदयपुर से निकल गए हम लोग। अभी अपन जा रहे हैं भिलवाड़ा। कब तक पहुँचेंगे भाई? भले ही रात हो जाए लेकिन कल की लॉन्ग तो जाना ही है, क्योंकि जितना अभी तक इनपुट मिला है उसके हिसाब से मंडे को मनाली से ले वाला पैसेज खोलने वाले हैं। सो वो बारह लाचला वाला होगा या श्रृंखला वाला होगा वो तो पता नहीं, बट मंडे को खुलेगा इतना इन्फॉर्मेशन आई है। 9:30 सब बहुत ज़्यादा अभी थके हैं, नींद में बिल्कुल, दो दिन से मैं तो सो नहीं पाया हूँ, फ्राइडे को भी सो नहीं पाया था। यहाँ पर 3 रूम ले लिए, इधर रुक रहे हैं आज, कल सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ये रहे हमारे रूम भाई, वाला। चलो अभी हम लोग सो रहे हैं, आप कल कंटिन्यू करेंगे, कल देखते हैं किलॉग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 6, हम 5:30 बजे उठ गए थे, एंड अपने साथ वाले अब तक भाई इनका नहाना चोचला ख़त्म नहीं हुआ है, भाई निकलने की तैयारी हो रही है। पेंट शीट साफ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, जयपुर में जाएंगे खाना खाने के लिए। जयपुर 2.5 से 3 घंटा मुझे लगता है एक्सपेक्टेड रखना चाहिए, गूगल मैप 5 घंटे दिखा रहा है। पौने 7 हो रहा है, हम लोग निकल गए हैं अपने यहाँ पर, रात में होटल में रुके थे भिलवाड़ा और उदयपुर के बीच में हाईवे पर हम लोग एक्जैक्टली रुके हुए थे। अभी नेक्स्ट स्टॉप भिलवाड़ा आने वाला है थोड़ी देर में, 40 किलोमीटर 34 किलोमीटर ही बाकी है। गाइस जयपुर के आसपास राजस्थान में आती पता नहीं क्या हो जाता है, सिग्नल गायब हो जाते हैं, स्पीति टाइम पे भी यही हुआ था, अभी इस बार तो दो दो सिग्नल गायब हो गए। भिलवाड़ा की तरफ जाते हुए अचानक से मौसम बिल्कुल काले बादलों का हो गया, नाउ वी कैन सी कि ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फबारी क्यों हो रही है। पासिस में लेफ्ट साइड में दिखा उधर का आगे बिल्कुल काले बादल है यार, गाड़ी देख के ऐसे नहीं लग रहा टॉर्नेडो वगैरह आ रहा है मूवीज में जो आता है। बारिश आने वाली है, अगर बारिश आएगी तो 100 के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है? ओ भाई तूफान आ गया, ये क्या है? तूफान आ रहा है भाई, भाई तूफान के अंदर घुस रहे हैं हम। भिलवाड़ा से निकलते ही हमें बहुत ज़्यादा भयानक बारिश मिल गई है, एंड ऐसा लग रहा है दिन से रात में घुस गए हम लोग। बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी कि हमारा तो हमने ये बिम्बा का कवर ले लिया था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा बेटा, सामान का टेंशन ही नहीं है, वाटर प्रूफ है, इन सब प्रॉपरली बंधा हुआ है। फट गया है क्या पूरा ही कुछ? वापस बांधने लायक है या फिर नहीं? मेरे पास जिप टाइज है, चाहिए तो जिप टाइज है मेरे पास प्लास्टिक के। टेंट का कपड़ा ऊपर नहीं बांध रहे क्योंकि इतना मोटा टार फट गया तो टेंट क्या चीज़ है, और टेंट फट गया एक बार तो वहाँ पे कैंपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मौसम वैसे ही खराब रहने वाला, मौसम खुलने नहीं वाला, तो टेंट वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। ये मेरी पाव भाजी, किंग स्पेशल थाली जैसी है भाई ऐसी। तो भाई हाईवे पर रुके हैं अभी, अब ये बच्चा गाड़ी चलाएगा। हाँ भाई सीट लगा ले दोनों, मैं नहीं दूंगा तेरे को गाड़ी। ओह माय गॉड, दो सीट बेल्ट लगा दो फिर भाई, मक्खी घुस गई है, मक्खी निकालो। सो गाइस हम लोग फाइनली पहाड़ों पे पहुंच गए हैं, 1800-1900 किलोमीटर, डेढ़ दिन हो गया पूरा, डेढ़ दिन ड्राइव करने के बाद में। मनाली नहीं जाने का कारण? मनाली रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा अपना, जसपा जिसमा में रहेंगे तो वहीं से चेक पोस्ट दारचा की बिल्कुल पास में। सो गाइस पहाड़ों पे आते ही हम लोग नई टनल पे घुस गए, अभी मनाली हाईवे पे काफ़ी सारी टनल्स उभरती थी, उनमें
कितनी खुली है वो तो अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट खुलती जा रही है। लास्ट 4-5 दिनों में भी कुछ ट्रबल्स खुली हैं। ये देखो गूगल को अभी सदमा लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं। टनल्स का कमाल है, कुछ नहीं समझ आ रहा भाई गूगल को कहाँ जा रहे हैं हम। टनल बना रहे हैं भाई वो देख। रात में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा पहाड़ वहाड़, ऐसे सुबह हो गया अचानक से ऐसा लगेगा भाई क्या था कहाँ गए। स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनल है ना, इसलिए वहाँ पे हमेशा दोनों साइड में खूब सारे मिलेंगे ट्रैफिक सर्वेलेंस, उसका कैमरे से अलग चलता रहता है थ्रू आउट द टनल। ये बहुत पुरानी टनल है। और टनल क्रॉस करके डिनर के लिए रुक गए थे, खाना गर्म गर्म मिल गया, खास था नहीं कुछ, चाय भी बेकार थी, बट ठीक है अभी का काम चल जाएगा। सो भाई हम आ गए हैं मनाली, अभी हम लोग हैं मनाली के अंदर ही, और सबसे बड़ी दिक्कत होगी हमारे पास फ्यूल है नहीं, ख़त्म हो गया, लास्ट भर आया, तो उसके बाद से अभी रिजर्व पे आ गई गाड़ी। एंड मनाली में कुल्लू में सारे फ्यूल पम्प बिल्कुल बंद, रात में कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो अभी हमारा कट गया, तो किसी तरह से अपने अपनी दूसरी वाली गाड़ी पीछे है काफ़ी, तो उनसे बोला है कि भाई रास्ते में फ्यूल पम्प मिले तो लेकर के आ जाना, नहीं तो हम तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे अपने किलोंग की तरफ। किलोंग के अटल टनल पहुँचा वो भी बहुत बड़ी बात है, 4,000 फीट चढ़ना है यहाँ से, नहीं चढ़ पाएंगे रिजर्व पर। और ये देखो इनको 12 डिग्री में भाई ठंडे लगने लग गई, कपड़े वपड़े निकाल के ये भाई बाहर गया रोड पे। हाँ जाओ फिर यहाँ पे फ्री में मिलता है क्या? फ्री में? फ्री नहीं है। कितना पैसा? 2,000 पर पर्सन। अभी नया नया खुला है। नया खुला है, क्या क्या सर्विस है? शर्मा की वजह से वही है सब जो भी है। आ जाइए सब, आप एक बार आइए तो सब मिलेगा आपको। ये भाई तो भाई तो फाइनली एक पेट्रोल पंप मिल चुका है हमें जो खुला था अभी। कहाँ कहाँ बंद हो जाता है अभी? एक भी खुला मिला ही, खुला ही रहता है ना। अरे क्या कुछ भी अपनी दूसरी गाड़ी भी आ गई है भाई फाइनली, और हमें पेट्रोल पंप मिल गया था आखिरी में खुला हुआ है, तो हमने भी डीजल फुल कर लिया अपना, और ये लोग भी अपने लिए टंकी फुल करके ले आए हैं, तो अभी अपना वाला जो इतने एक्स्ट्रा मंगाया है मतलब हमने मंगाया है अपना इनसे, वो बाद में अभी यूज करेंगे। कहाँ पहुँच गए? इतनी खुशी में ही गर्मी लग रही है, कोई ठंड नहीं लग रही खुशी हो गया ना यार, खूब सारा माल खाया खाएगा तो यही होगा। साला आया इधर था भाई, मनाली में घास ही मिलती है फेमस, वही ना देसी घास खाने आया था इतने दूर से। कौन बोल रहा था भैया? डब्बा बोलता था बाहर पैसे। पहली बार आए ये लोग पहाड़ पे, एंड दिक्कत ये हुआ है कि हम लोग शाम को चंडीगढ़ से चालू किया था और चंडीगढ़ से सीधा ऊपर आ गया, तो इन लोगों ने एक्चुअल में पहाड़ नहीं देखे, और ये जिंदगी में पहली बार देखने वाले हैं, बर्फ भी इतनी, ठंड भी, नेगेटिव टेम्परेचर भी, और सीधा ऊपर आ गया, वो भी इन्हें अब तक ऊपर बर्फीले पहाड़ भी नहीं देखे। तो भाई इनको तो अभी सुबह होती स्वाद आने वाला है, अभी टाइम हो गया है 3, अभी हम लोग जब तक जिस पर पहुँचेंगे तब तक हो जाएगी सनराइज का टाइम, तो मस्त अभी अटल टनल में थोड़ा फोटो वोटो खींचते खींचते चलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दूधी रास्ता है? दूधिया रास्ता। मनाली का 10 डिग्री था यहाँ पे, और कम होगा यहाँ पे, होगा 6-7 डिग्री। मजे आ रहे हैं भाई, फुल मजे, फुल मजे। तीन शर्ट पहन ली भाई ने। तेरे को चाहिए? नहीं भाई अभी ठीक है। अटल टनल के गेट पे रुक गए हैं, मामू ने पकड़ लिया था हमें, यहाँ पे 3 हो गया। हम लोग डीजल जो कैरी कर रहे थे वो डीजल टनल के थ्रू कैरी करना अलाउड नहीं है, कुछ भी फ्लेमेबल सामान जो है वो आप कैरी नहीं कर सकते, तो डीजल हम अंदर लेता नहीं सकते। एंड हमने नीचे ही अभी, मैंने तो फुल किया था पूरी टंकी को, एंड इन लोगों ने भी थोड़ा भरवाया था 2,000 का कुल्लू में, तो इनके में भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी, एंड मेरे में तो है ही नहीं, तो जितना आ रहा है डीजल उतना अभी भरेंगे, बाकी सारा फेंकना पड़ेगा, या इधर ही ऐसी छोड़ के भी कैसे जाएंगे भाई, क्योंकि हमें कैन तो लेके जाना है ना वापस। भाई लोग पानी गिराते हैं यहाँ पर, डीजल गिराया जा रहा है, वो भी देखो पानी की तरह भाई पूरा। हमारे चाचा भी थे के भाई क्रॉस हो गया ट्रक कैसे भाग रहा है। तो भाई हम लोग सुबह सनराइज होने वाला है, 4:45 हुआ है, एंड हम लोग अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, गाड़ी यहीं पे लगाई, एंड अब आपको असली व्यू दिखाते हैं कि हम आए कहाँ हैं। ये देखो पहला व्यू ही ऐसा है, आगे देखो क्या होगा, डिपेंड नहीं था कि हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे।
भाई साहब की भाई साहब के सूट के बिल्कुल छुआरे हो गए हैं। हार्ट बीट 188 दिखा रहे हैं। ठंड लग रही है भाई? नहीं भाई, क्या हुआ भाई? गर्म हो गया, बहुत गर्मी हो गई भाई, खराब हो गया 188 हार्ट बीट बता रहा है। अब साल राजस्थान से टी शर्ट में उठा के लेके आएगा यहाँ पे सीधा एक बार में, तो क्या गर्मी लगेगी? गूंजेगा गूंजेगा ये भाई साहब, तब से ऑक्सीजन के पीछे पड़ गए हैं, सबकी ऑक्सीजन देख रहे हैं भाई साहब। तो क्यों उठा रहा है इसको? सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून बोलूँ क्या बोलूँ, अभी हम लोग हैं जिसपा में। हम सुबह यहाँ पे 5:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे, रास्ते में सनराइज़ देखते हुए आए हम लोग मस्त। और आते ही हम लोग, क्योंकि बिकॉज लास्ट 24 आवर्स से अराउंड ट्रैवल ही कर रहे थे, ड्राइव करते जा रहे थे, बहुत भयानक, सब थके हुए थे, नींद आ रही थी, सब सो गए थे। अभी 3 बज रहा है, हम लोगों ने लंच किया है एंड लंच करने के बाद अब थोड़ा सब फ्री हुए हैं। तो दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। ये मैं बोलना भूल गया कि जो फर्स्ट वाला व्लॉग है, मैं आज इस बार हर दिन पर्टिकुलर डे के हिसाब से स्प्लिट नहीं करूँगा जैसे मैंने स्पीति में किया था। पुणे से लेकर के अभी तक का एक व्लॉग रखने वाले हैं एंड ट्रेलर आपको दिख ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हैं, कैसा आगे का होने वाला है। सो इसके आगे का अब रोज़ का एक दिन का एक एपिसोड होने वाला है। आज रात में स्नो प्रेडिक्शन दिखा रहा है, बट अगर स्नो ज़्यादा नहीं हुई एंड जांसकार का रास्ता जो है अपना शिंकुला वाला वो खुला रहा, तो हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे गोंडबोर अंजन के लिए एंड वहाँ पे ओवरनाइट काम करने वाला है। तो लेट्स सी कैसा रहता है एंड कल निकल पाते हैं, यानी रात में स्नो तो है बट इतनी ज़्यादा ना हो कि पास बंद हो जाए। दिस इज़ आवर फर्स्ट डे इन जिसपा दो एंड आज से हमारा एक्चुअल लद्दाख एक्सपेडिशन जो है वो शुरू होगा। अब तक तो यहाँ पहुँचने की जर्नी थी, बट यहाँ तक शुरू हो गया। तो आज हम लोग जिसपा में ही रुक रहे हैं पूरा, यहाँ शाम तक चल मारेंगे, रात में देखते हैं अगर आसमान खुला रहा तो आसमान में तारे वारे देखें, बट नहीं खुलेगा, पूरा मौसम ख़राब है, रात में हो सकता है स्नो भी हो जाए। फिर कल निकलेंगे हम लोग जांसकार के लिए इफ़ दे अलाउ अस। सो आज के लिए इतना ही, अच्छा लग रहा है तो बने रहो, आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, अभी तो इक्विपमेंट निकाला ही नहीं है, बहुत सिनेमैटिक व्लॉग्स अभी मस्त आएंगे। ऐसी सुकून, ऐसी शांति कहीं नहीं मिली। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, और क्या बता सकते हैं, रात ही पता चलेगा बाकी।